नौजवान आए हैं तो हमने समझ लिया, मेरे जो इच्छा रहती थी कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी न होने पाए, क्या नौजवानों की तादाद है, इसे नौजवानों आपको हम स्वागत करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आगे चल करके आप चलवाने के नेता बनें और पार्टी को मजबूत करें। सचिवालय में लगाए और उनको जो नहीं दे पाए थे उनको बुधवारी भत्ता दिया, आपको याद होगा। और हमारी जो लड़कियां थी का न्याय थी उनको सबको नौकरी देने की कोशिश की और जिनको नौकरी नहीं मिल पाई तो उनको काफ़ी पैसा मदद की। महिलाओं को विशेष अवसर दिया, या ये समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी का ये पूरा का पूरा इतिहास। इससे कल दोनों लड़की कब जब भी आएंगे तो कम से कम 10 लड़कियों को लेके आएंगे तो हमारी पार्टी मजबूत करेगी। और महिलाओं को ज़्यादा खड़ा करना, महिलाओं को भी खड़ा करना, बताओ हाथ उठा के बताओ अपने जिले में एक एक दो दो लड़की को पार्टी के पदाधिकारी बनाइए। तो हम चीज़ें कहा था कि आप कह रहे थे सबको काम देंगे और जिनको काम नहीं मिले उन्हें 15 लाख कर देंगे, तो मैंने कहा माना तो 15 लाख नहीं दे सकते हो तो 3-3 लाख दे दो, कौन सा नहीं 15 लाख हो जाएंगे। लेकिन एक रुपया भी नहीं दिया, तो मैंने कहा आपने झूठ बोल कर एक जनता को ठग करके सरकार बना दी, आपने पढ़ा होगा। इसलिए आप कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की कसरी करने में भेद नहीं है, समाजवादी पार्टी जो कहती है आज सरकार में आएंगे तो वही काम करेंगे जो अभी कह रहे हैं।